तो देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है और ये टॉपिक है क्या, प्रकाशिक समवयवता। अभी तक इस टॉपिक में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो था प्रकाशिक समवयवता और प्रकाशिक समवयवियों के प्रकार। इसके बाद हमने देखा था प्रकाशिक सक्रियता और उसका कारण, ओके, और फिर किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को 3D में चेंज करना और 3D को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करना। यहां तक हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। आज हम अब जो हमारा जो ये पॉइंट डिस्कस जिसको करना है और ये है प्रकाशिक समवयवियों का RS नामकरण। ठीक है, काफी कुछ क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं और इसके रूल्स पढ़ते हैं, देखो क्या क्या है, फिर हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल से इसे अच्छी तरह समझेंगे। तो देखो, पहला रूल ये है कि जो असममित कार्बन है, मीन्स कायरल कार्बन, उससे जुड़े चारों समूहों या परमाणुओं को अग्रता क्रम में, प्रायोरिटी में 1, 2, 3, 4 जो है अंक प्रदान करते हैं। एक जो प्रायोरिटी है, ठीक है, उसे देते हैं जिसका, मतलब जो एटम असममित कार्बन से जुड़ा है और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको एक नंबर देते हैं। इसी तरह घटती हुई वरीयता या अग्रता में 4 अंक तक प्रदान करते हैं। 4 अंक हम उसे प्रदान करेंगे जिसकी अग्रता प्रायोरिटी सबसे कम है और 1 अंक उसे प्रदान करेंगे जिसकी अग्रता सबसे उच्च है। अब आता है कि अग्रता को कैसे पहचाने, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो कायरल कार्बन है उससे जो परमाणु डायरेक्ट जुड़ा है उसे हम कुंजी परमाणु, की एटम बोलते हैं, उसको देखना है और उसको क्या अग्रता देनी है, क्या प्रायोरिटी, उसका एटॉमिक नंबर देखना है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे 1 अंक प्रदान करोगे, फिर घटते हुए, ठीक है, अग्रता के क्रम में 4 अंक तक प्रदान करेंगे। जैसे हाइड्रोजन से ज्यादा अग्रता किसकी होगी बच्चों, बोरॉन की, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फिर कार्बन की होगी, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मतलब सबसे पहले आपको क्या देखना है, कायरल कार्बन से जुड़े हुए की परमाणु का परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा हो उसे 1 अंक प्रदान करोगे और फिर इसी तरह परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में 4 तक अंक प्रदान करना है। ऐसे अगर मान लो कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़े हो कि सभी की एटम कार्बन है, तो फिर आप उसमें देखोगे कि डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है, इस तरह से, मतलब है कि कार्बन के बाद जब अगला कार्बन जुड़ा है तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है या डबल से या ट्रिपल से, और इस तरह से वरीयता मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से, बंध बहुलता बढ़ने से बढ़ती है। ऐसे अगर बलह जुड़ी है तो ज्यादा एटम वाली बलह की अग्रता ज्यादा होगी, मतलब 1 नंबर उच्च अग्रता के आधार पर देंगे। मान लिया जाए कि समूह जुड़े हैं, ठीक है, और उनके की एटम सेम है, मान लो CH3 जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, C4H10 जुड़ा है, तो फिर आपको उनका अणुभार देखना है, ठीक है। और अगर मान लो अणुभार के बेस पे समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आपको अग्रता का जो पहला की एटम है उसके बाद जस्ट दूसरा एटम क्या जुड़ा है उसका परमाणु क्रमांक देख के और इस तरह से अग्रता निर्धारित करनी है। ऐसे अगर कोई समस्थानिक जुड़े हैं तो परमाणु भार के आधार पर अग्रता निर्धारित करोगे कि कम परमाणु भार वाले की अग्रता कम है, ज्यादा वाले की ज्यादा है। ऐसे जैसे H से ज्यादा D की, D से ज्यादा T की, 12 से ज्यादा 13, 13 से ज्यादा 14 की, समझ गए ना। अब जब आप ये अग्रता निर्धारित कर लोगे तो दूसरा है अब इन अग्रता वाले समूहों की स्थिति देखना। अब देखो क्या करना है कि यदि निम्नतम अग्रता, मतलब 4 का समूह ऊर्ध्वाधर रेखा में हो तो समूहों में बिना किसी इंटरचेंज, अंतर परिवर्तन के,
एक दो तीन के मध्य एक मुड़ा हुआ तीर लगाना है। क्या लगाना है? मुड़ा हुआ तीर। ठीक है, मतलब आपको किसी भी प्रकार का समूहों में इंटरचेंज नहीं कराना। कब? जब न्यूनतम आग्रता मतलब चार वाला जो समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो बस करना क्या है आपको, एक से दो और दो से तीन के बीच में एक मुड़ा हुआ तीर लगाते हैं। यदि इस तीर की दिशा घड़ी की दिशा में है तो उसे आर नाम देंगे, और विपरीत है घड़ी की दिशा की विपरीत है तो उसे एस नाम देते हैं। बात समझ गए ना? पहला रूल कि निम्नतम अग्रता का समूह अगर ऊर्ध्वाधर रेखा में है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक दो तीन के बीच में एरो लगा देना है जो एक से होकर दो और दो से तीन में जाता हो, और एरो की दिशा अगर घड़ी की दिशा में है तो आर और इसके विपरीत है तो एस नाम देते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तीसरा है कि यदि निम्नतम अग्रता मतलब चार वाला समूह क्षैतिज रेखा में हो तो समूहों के मध्य दो इंटरचेंज तल पर करते हैं, या एक समूह को स्थिर रखकर तीन समूहों को ठीक है एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंज करते हैं, और चार वरीयता अग्रता बल्कि चार ठीक है ये जो है अग्रता चार वाले समूह को चार अग्रता वाले समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा में लाते हैं, और इसके बाद एक दो तीन के बीच में तीर का निशान लगा के आर और एस नाम देते हैं। अच्छी तरह समझ गए ना कि क्षैतिज रेखा में अगर आ जाए चार वाला तो आपको ऐसे दो इंटरचेंज करा देने हैं एक ही तल में कि उनमें क्या हो जाए कि जो चार वाला अग्रता का समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा में चाहे नीचे आ जाए और चाहे ऊपर आ जाए। एक इंटरचेंज नहीं कराना, या तो दो या चार, इस तरह से ये पूरे अणु को घुमा दो 180 डिग्री पे, सारे समूह इस तरह घूम जाए कि अग्रता चार वाला जो समूह है वो कहां पहुंच जाए बच्चों, सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर रेखा में। इसके बाद जब अग्रता चार का समूह ऊर्ध्वाधर रेखा में आ जाए तब फिर 1, 2, 3 के बीच में एरो लगाओ, अगर ये क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। और एक और सिंपल नियम बता दे रहा हूं बच्चों, गोल्डन नियम, कि अगर चार अग्रता वाला ठीक है वरीयता हो या अग्रता बल्कि अग्रता वाला समूह क्षैतिज रेखा में रहे तो आप बिना किसी अंतर परिवर्तन के एक दो तीन के बीच में एरो लगा दो, और अब आपको ऐसे ध्यान रखना है और तीर की दिशा ठीक है मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं कि अगर यहां पर तीर की दिशा घड़ी की दिशा में है ठीक है तो इसे एस तथा विपरीत दिशा में है तो आर नाम देते। बात समझ गए ना? अगर आप इंटरचेंज नहीं कराते मतलब अगर चार अग्रता वाला समूह क्षैतिज रेखा में आ जाए तो आपको कोई अंतर परिवर्तन नहीं करने, अणु में कोई परिवर्तन ना करो, बस एक दो तीन के बीच में एरो लगाओ, और तीर की दिशा अगर घड़ी की दिशा में दिख रही है तो आप इसे एस नाम दे दो, और विपरीत दिशा में है तो आर नाम दे दो। ये बिल्कुल इजी है। या फिर आपसे इंटरचेंज हो रहे हैं तो इंटरचेंज इस तरह कराओ कि चार नंबर वाला जो है या तो ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर आ जाए या नीचे, और सम संख्या में इंटरचेंज कराने हैं, या एक को स्थिर कर तीन को और फिर तीर लगाना है। गोल्डन रूल ये कहता है कि आपको अगर क्षैतिज रेखा में चार दिख रहा है तो कोई अंतर परिवर्तन ना करें, एक दो तीन के बीच में एरो लगा दें, तीर की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत अगर दिशा में दिख रही है तो एस नाम दो, और विपरीत दिशा में तो आर। मतलब ये है, उल्टा कर दिया इसने, हम एक समझ सकते हैं। देखो जैसे ये लिखा है एक एग्जाम्पल CH3OH COOH और एच। अब यहां पर देखो इसमें की एटम मिथाइल ग्रुप में कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन हो गया, इसमें की एटम ऑक्सीजन है और इसमें की एटम कार्बन है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका की एटम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर रख रहा है, मैंने इसको एक नंबर दे दिया। CH3 के कार्बन को
और सी डबल ओ एस में दोनों में कार्बन है ना। अब आता है कि हम किसे दो नंबर दें, तो इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है और इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, इसीलिए हम इसे सी डबल ओ एच को दो नंबर देंगे। ध्यान रखें कि अगर की एटम बिल्कुल सेम है तो या तो आप अणुभार देखें या फिर अगला एटम देखें जो उससे जुड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी अग्रता आएगी उसके बाद एक के बाद। तो इस तरह से दो नंबर, तीन नंबर और इसको मैंने चार। अब देखो ये चार नंबर ऑलरेडी ऊर्ध्वाधर रेखा में आ गया, बात समझ गए। तो आपको कोई इंटरचेंज नहीं कराना, एक एरो लगा देना है एक से होते हुए दो और दो से होते हुए तीन। तो ये कैसा डायरेक्शन दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। तो हमने दे दिया आर नाम। देखो चार नंबर ऑलरेडी ऊर्ध्वाधर रेखा में हो तो आपको कोई इंटरचेंज नहीं कराना, सीधा एरो लगा देना, एरो की दिशा ही कॉन्फ़िगरेशन बताएगी। लेकिन क्षैतिज रेखा में है चार नंबर तो 1-3 के बीच में एरो लगा दो और बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर वो क्लॉक वाइज लेगा तो एस लोगे और एंटी क्लॉक है तो आर, लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर रेखा में है तो यही पहले बार में ही आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब ठीक इसी तरह से मैंने ये कॉर्ड लिख दिया इसी का दूसरा रूप की ओ एच को उठा के यहां कर दिया, सी एच थ्री को यहां कर दिया, सी डबल एच को ऊपर कर दिया, चार को नीचे कर दिया है ना। तो ये नंबर चार नीचे आ गया, फिर भी ऊर्ध्वाधर रेखा में है, फिर एरो लगा दो 1-3 के बीच में, फिर भी वही आर है। तो ये दोनों जो पहला और दूसरा रूप है ना बच्चों, इनको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समूह त्रिभुज में कैसे भी रहे अगर उनके कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहे हैं तो वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। अब इसमें आ जाओ, मैंने इस तरह से ये लिख दिए CH3OH। अब देख रहे हैं कि यहां पर आपने जब अग्रता प्रदान की तो चार नंबर आपका यहां आ गया, क्षैतिज रेखा में आ रहा है। अब दो रूल बताए हैं, या तो आप समूहों का इंटरचेंज करा दो ऐसा कि चार नंबर ऊर्ध्वाधर रेखा में आ जाए। तो देखो यहां पर मैंने सी डबल ओ एच और एच के बीच में करा दिया, चार यहां आ गया, तो एक यहां पे करा दो ओ एच सी एच थ्री की जगह चला गया, सी एच थ्री ओ एच की जगह आ गया। अगर आप एक इंटरचेंज कराते केवल एच और सी डबल ओ एच का तो बनने वाला जो भी अगर आर रहा होगा तो वो एस में बदल जाएगा, प्रतिबिंब रूप बदल जाता है एक बार तीन बार इंटरचेंज कराने से। अब बस अब आप एरो लगा दो 1-3 तो ये क्या हो गया एस, तो ये तो हो गया इंटरचेंज वाला। अब गोल्डन रूल देखो बिना किसी इंटरचेंज के, अब आपने एरो लगा दिया 1-3, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, घड़ी की दिशा में। तो मैंने लिखा है ना कि अगर वो घड़ी की दिशा में जा रहा है बिना इंटरचेंज के तो आप कब, जब चार नंबर क्षैतिज रेखा में आ जाए फिर आप 1-3 एरो लगाए, अगर एरो की दिशा क्लॉक वाइज है तो उसे एस नाम देंगे। तो इस तरह से गोल्डन नियम से भी वही आ रहा है और इंटरचेंज मेथड से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो गोल्डन रूल में ये कह रहा है कि अगर ऐसा घूम रहा है तो एस एरो और ऐसा घूम रहा है तो आर, सीधा बिना इंटरचेंज। तो इस तरह से हमारे ये मैंने कर दिया। यदि एक से ज्यादा किरेल कार्बन होते हैं तो प्रत्येक कार्बन का पृथक पृथक नामकरण करते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये है मीजो टार्टरिक एसिड, हम जानते हैं ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है और अगर किसी अणु में एक कार्बन आर आ रहा है और दूसरा एस आ रहा है और बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो जी हम जानते हैं मीजो फॉर्म आ जाएगा। तो देखो पहले मैंने इस कार्बन का कर दिया दूसरे नंबर का, तो सी डबल ओ एच एच ओ एच और नीचे पूरा ये माना जाएगा सी एच ओ एच सी डबल ओ एच, मतलब इसका जब आप करेंगे तो ये पूरा एक समूह मान लोगे आप, ऐसा एक समूह ये हो गया, एक समूह आप देख रहे हैं ये हो गया, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, चार समूह हो गए इस कार्बन के लिए। नंबरिंग कर दो आप, देखो ओ एच को एक नंबर दे दिया आपने, ठीक है, फिर सी डबल ओ एच और सी एच ओ एच में सी डबल ओ एच को दो नंबर देंगे क्योंकि इसमें सी के बाद डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है, तीन ऑक्सीजन के बराबर माना जाएगा, इसमें एक ही ऑक्सीजन माना जाएगा। तो 1-3 और ये मिल गया इसको चार नंबर। अब देखो गोल्डन रूल ये कहता है अगर आप इंटरचेंज करा के कराए तो, और गोल्डन रूल से कर लो, गोल्डन रूल में आपने एरो लगा दिया, देखो आपने ये एरो लगा रखा है 1 से होके 2 और 2 से होके 3 के बीच में, ये डायरेक्शन क्या है देखो एस का है ना, एंटी क्लॉक, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, मतलब इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है सी टू कार्बन का वो आर है, गोल्डन रूल से कर लिया। अब मैं इंटरचेंज से बता देता हूं, देखो इंटरचेंज में करना क्या है, हमको ऐसे इंटरचेंज करना है कि चार नंबर या तो टॉप पे आ जाए ऊर्ध्वाधर रेखा में या बॉटम में,
तो मैंने यहां तीन और चार के बीच में करा दिया, यहां एक और दो के बीच में करा दिया, और फिर एरो लगा के लिख लो, तो अभी वही आ गया ना एरो का डायरेक्शन आर। देखो आप, तो चाहे इंटरचेंज करके कर लो, चाहे गोल्डन रूल से कर लो। अब आपने दूसरे कार्बन का कर लिया, अब हम आते हैं तीसरे कार्बन। अब तीसरे कार्बन में ऊपर वाला जो पूरा ये समूह है CHOH COOH, वो एक ग्रुप हो गया। तो एक नंबर दे दिया OH को, दो नंबर COOH को, तीन नंबर ये वाले CHOH COOH को, चार नंबर हो गया हाइड्रोजन को। अब गोल्डन रूल लगा लो आप, एरो लगा दिया ना 1 2 3, ये कौन से क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो होना चाहिए था आर, लेकिन क्या लिखेंगे हम इसे एस, क्योंकि हमने कोई इंटरचेंज नहीं करा। और इंटरचेंज वाली मेथड लगा दो, तो दो और चार के बीच में कर दो, एक और तीन के बीच में, और फिर एरो लगा दो, देखो 1 2 3, तो भी वो एस आ गया। तो इस तरह से इसका जो नाम हुआ वो हुआ 2R3S टार्टरिक एसिड, मतलब तीसरे वाले का एस कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे वाले का आर है, और इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल में जब दोनों टर्मिनल बिल्कुल सेम हो और एक आर आ जाए और एक एस, तो ऐसे रूप प्रकाशित रूप से निष्क्रिय होंगे और इसे बोलते हैं मीजोफॉर्म। तो इस तरह से आपने नेम कर दिए। यहां तक बात क्लियर है? तो ये तो फिशर प्रोजेक्शन बने हुए थे, इसका नाम क्या? कई बार आपको 3D फॉर्म में दिए जाएंगे, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर, और फिर लिखा होगा कि इनका आरएस नामकरण करें। तो कैसे करें आप बिना फिशर में बदले, आप उसको कैसे आरएस करें? तो देखो, यदि अणु 3D के रूप में हो तो समूहों की अग्रता निर्धारित करके चार अग्रता की स्थिति देखते हैं। आपको 3D में कोई चयन नहीं करना, पहले आप उसके जो कायरल कार्बन से जुड़े हुए समूह हैं उनको अग्रता क्रम में चार अंक प्रदान कर दो, 1 2 3 4, जो ऊपर रूल बताया है मैंने ना। फिर आप ये देखो कि चार अग्रता वाला समूह कहां दिख रहा है। अगर वो चार अग्रता वाला समूह डैश लाइन इस तरह से लाइन में स्थित है, जो ये माना जाता है कि ये ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ है, ठीक है, कल से नीचे की तरफ है, तो 1 2 3 के बीच में तीर लगा दो और उसकी दिशा के अनुसार आर और एस नाम देते हैं। मतलब अगर चार अग्रता वाला समूह अगर आपको 3D रूप में डैश लाइन में हो सीधा सीधा, तो आपको कोई इंटरचेंज नहीं कराना, आपको एक एरो लगा देना है 1 2 3, जो दिशा दिखाई दे रही है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर वो क्लॉकवाइज दिख रही है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। किसी किंतु किसी अन्य स्थिति में हो, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी अन्य स्थिति में है, तो समूहों के बीच अंतर परिवर्तन करके गोल्डन नियम से आर और एस नामकरण करते। देखो जैसे यहां पर है, मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब ये है कि आप अंतर परिवर्तन करके भी कर सकते हैं या फिर गोल्डन नियम से लगा सकते हैं। देखो कैसे, अब यहां पर जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा है, इसमें H जो है सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का हो गया ये, ठीक है, उसको हमने सबसे पीछे कर दिया, पीछे है वो ऑलरेडी है। तो अब आपने एरो लगा दिया 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉक्स दिख रहा है, तो ये हो गया एस। अब मैंने यहां पर OH यहां कर दिया और H सामने, अब OH पीछे चला गया बच्चों, हमें एच को पीछे ले जाना है, तो दो नियम है, या तो आप सीधा बिना सोचे बिना इंटरचेंज के, और आपको करना क्या है, एरो लगा देना है 1 2 3 बिना इंटरचेंज के, अगर गोल्डन रूल लगा रहे हैं। तो जब आपने 1 2 3 के बीच में एरो लगाया और वो दिख रहा है आपको एंटी क्लॉक, तो वो क्या नाम हो जाएगा, आर, ठीक है। मतलब यह एंटी क्लॉक दिख रहा है तो सीधा सीधा है कि अगर वो ऐसे लिखे तो ये हो जाता है क्या, आर, गोल्डन रूल के अनुसार, अगर आप कोई इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं। आप इंटरचेंज करा दो, दो इंटरचेंज कराने होंगे, देखो एच और OH के बीच में करा दो, और CH3 और COOH के बीच में करा दो, तो एच चला गया ना पीछे डैश लाइन में। अब आप एरो लगा दो 1 2 3, ये हो गया ना आत्मविन्यास, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरचेंज करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 3D स्ट्रक्चर में जब भी आप इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे इंटरचेंज करें कि एक बार में ही पीछे चला जाए लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप। तो ऐसा करने के लिए आपको दो बार कर सकते, दो मतलब चारों समूहों का इस तरह से इंटरचेंज करते हैं दो बार। बात क्लियर है? अब मान लो ऐसा ये लिखा हुआ है, अब इसका नाम लेना चाहते हैं, देखो ये एच ऑलरेडी पीछे की साइड है इसमें भी, तो यहां है ये 1, ये कार्बन कार्बन चेन 2, और ये CH3 3, तो आप एरो लगा दो 1 2 3 क्लॉक, देखो ये एंटी क्लॉक दिख रही है,
एच ऑलरेडी पीछे है डैश लाइन में, लोवेस्ट प्रायोरिटी का, इसलिए हम इसमें सीधा सीधा जो डायरेक्शन है वही नाम हो गया एस। ऐसे इसमें चलेगा 1 2 3, तो ये है एस और ये क्या है आर, मीजोफोन। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हमने इस समूह को पूरा घुमा दिया, ऐसा लिख दिया। अब मैंने एक को स्थिर रख के, देखो ये वाले बॉन्ड को स्थिर रख के तीन को घुमाया है, मतलब इस बॉन्ड को आप स्थिर रख के तीन को घुमा रहे हैं इन समूहों को, तो ये समूह इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल सारे समूह एक दूसरे की पोजीशन बदल देंगे। तो अब देखो आप कि आपने इंटरचेंज करा दिया, मतलब इस एच को घोटा के नीचे कर दिया, तो जहां ओ एच था वहां एच आ गया और जहां पर एच था वहां पर ओ एच आ गया। अभी भी एच जो है बच्चों, देखो आप कहां नहीं है वो, अभी भी डैश लाइन, तो या तो गोल्डन रूल लगा दो आप, तो गोल्डन रूल लगाओगे तो एरो में देखो 1 फिर ये 2 और 3, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? अगर आप गोल्डन रूल लगा दोगे तो देखो आप ऐसे आ जाएगा ना, गोल्डन रूल में ये हो गया 1 है ना, ये हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 आप देख रहे हैं डैश लाइन में नहीं है, तो एरो लगाओ 1 2 3, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है? आर का, समझ गए ना, मतलब है कि H O H और इस तरह से आपने, तो हमारे पास ये वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है R, तो आपने पहले ये नीचे उठा के मैंने इसको घुमा दिया, देखो पहले इस वाले को बिल्कुल नहीं घुमाया, इस वाले को घुमा दिया, तो ये CH3 वाला जो 3 वाला है वो यहां आ गया नीचे, तो बिल्कुल सारे पलट गए। ठीक है, कि अगर मैं इस बस को घुमा दूं तो क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? तो एक को स्थिर रखकर तीन को घुमा देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता बच्चों, क्योंकि इस तरह से जैसे आपने ये घुमा दिया तो CH3 यहां आ गया है ना, और ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 3। अब आपने यहां पर या तो गोल्डन रूल लगाओ या इसी को और आगे बढ़ा दो, देखो एक इंटरचेंज और करा दो आप, ये तो वही हो गया जैसे ये था, फिर से वही का वही आ गया ये वाला। तो एक बार तीन को घुमाया एक, ठीक है, और फिर एक और बार इस तरह घुमा दिया तो ये तो वही का वही बन गया, मतलब ये दोनों ये और ये आइडेंटिकल है। और इसमें अगर हम गोल्डन रूल लगाएं तो देखो क्या आएगा, ये है 1, ठीक है, ये है 2 और ये क्या है 3, तो ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? देखो एस जा रहा है ना, एंटी क्लॉक, अगर आप गोल्डन रूल से भी करके देख लो, ओहो तो गोल्डन रूल से भी कर रहे हैं, तो देखो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो ये कौन सा जा रहा है? एस, एंटी क्लॉक जा रहा है ना, तो हम इसे क्या देंगे? आर। तो वैसे भी तो ये भी आर है और यहां पे भी वही आ रहा था, देखो तो मतलब ये है कि ये और ये, मतलब मैं ये कहूं पहला ये और दूसरा ये है, तो ये क्या है बच्चों? आइडेंटिकल। तो एक को स्थिर रखकर अगर आप तीन को भी घुमा दोगे, फिर से आर एस करोगे, तो वही आएगा जो था। इसका मतलब है कि अगर एक को स्थिर रखे तीन को घुमा दिया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलते, फिर से मैंने दोबारा घुमा दिया तो वही का वही बन गया, पहला और तीसरा एक ही है, गोल्डन रूल लगाया तो भी वही आ रहा है। और भी देखो यहां पर आ जाए, यहां एस ऑलरेडी कहां दिख रहा है आपको? पीछे ओ एच, ये है तो आपने लगा दिया 1 2 3, तो ये एस है, और यहां पर चूंकि ओ एच पीछे की तरफ है, एस सामने है, एरो लगाया तो ये क्लॉक वाइज दिख रहा है, अब हम जानते हैं कि क्लॉक वाइज है तो ये एस, तो गोल्डन रूल लगा देंगे, अगर एच पीछे नहीं है डैश लाइन में तो गोल्डन रूल के अनुसार जो भी डायरेक्शन उसका उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? एच, और इंटरचेंज मेथड यूज कर लो आप, इसको नीचे कर दो तो एच ओ एच की जगह और फिर भी वही आ जाएगा आपका, देखो 1 2 3, तो एस एस। तो इस तरह से आपको जो है आर एस नॉमन क्लेचर गोल्डन रूल लगा लो तो भी, तो गोल्डन रूल ज्यादा इजी है बच्चों, आपको कुछ भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एरो लगा दो, अगर 4 नंबर डैश लाइन में ना हो तो ही गोल्डन रूल यूज करना है, 4 नंबर डैश लाइन में है तो आप जो भी डायरेक्शन एरो का आ रहा है वही नाम होंगे, लेकिन अगर गोल्डन रूल 4 नंबर डैश लाइन में नहीं है तो गोल्डन रूल के अनुसार जो डायरेक्शन है उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक चीज और बता दूं, प्रतिबिंब रूप और समरूप, देखो तो प्रतिबिंब रूप इनांशियोमर, यदि अणु के दो संरचना सूत्र एक दूसरे का प्रतिबिंब हो तथा अध्यारोपित ना हो, या फिर एक रूप R है तथा दूसरा S है, तो इनको प्रतिबिंब रूप कहते हैं। अणु के किन्हीं दो बंधों के एक तीन विषम अंतर परिवर्तन से प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं।
मतलब है कि आपको जो रूप बना के लिख के दिए गए हो, पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, आइडेंटिकल है या प्रतिबिंब रूप, पहली बात तो प्रतिबिंब रूप जो एक दूसरे का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, अध्यारोपित नहीं होते, अगर एक एस है तो एक आर होगा या आर है तो एस है, तो जैसे यहां मैं कहूं, और अगर आप किसी अणु का फिशर प्रोजेक्शन या फिर हम कहें 3D स्ट्रक्चर दे रखा है और केवल आपने दो बंधों में घूर्णन करा दिया, एक ही घूर्णन मतलब एक या तीन विषम संख्या में, तो ध्यान रखें नया रूप जो बनेगा वो प्रतिबिंब रूप होगा। जैसे ये है, मैंने केवल यहां पर देखो आप 1, 2 और 3 ये अणु लगा है आर, आपने केवल दो समूहों का अंतर परिवर्तन कर दिया है एच और OH उठा के, तो अब ये जो रूप बन गया इसका देखो कॉन्फिगरेशन निकाल के 1, 2, 3 एस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब रूप। अब जैसे ये तीन रूप लिखे आपसे पूछ लेंगे क्या है, तो देखो जैसे इसका आपने नंबरिंग की 1, 2 और 3 ये अणु क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉक, गोल्ड अणु लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि एच कहाँ आ रहा है क्षैतिज रेखा में, तो 1, 2, 3 तो एरो है एंटी क्लॉक, तो हम लेंगे आर, इसमें एच सीधा ऊर्ध्वाधर रेखा में है तो आपने इसका नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब आप यहां देखो कि कोई इंटरचेंज लिख रहे हैं, एक बार इंटरचेंज यहां कर दिया मैंने, एक बार इंटरचेंज तो स्वरूप ही आएगा, और फिर एरो लगा के देख लो एच आर ऊपर आ गया ऊर्ध्वाधर रेखा में, कोई इंटरचेंज गोल्ड अणु नहीं लगाए हुए, डायरेक्ट 1, 2, 3 तो यहां से 1, 2 और 3 तो ये आर, तो ये दोनों आर आर रूप, इनको बोलते हैं तुल्य रूप या आइडेंटिकल फॉर्म। और यहां पर देखो पहले और तीसरे को देखो आप, क्या चेंज दिख रहा है, कोई चेंज दिख रहा है क्या, वही का वही है जो, लेकिन दिख रहा है देखो OH और H अपनी जगह पर है, केवल CH3 और COOH को मैंने पलट दिया है, तो अब देखो ये क्या बन गया, एस रूप प्रतिबिंब, एक बार घूर्णन कराया है ना तो प्रतिबिंब रूप बन गया। तो सबसे अच्छा है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, क्वेश्चन में एक रूप दे दिया जाए, पूछा जाए चार दे रखे हैं कि इनमें से बताओ कौन सा प्रतिबिंब रूप होगा, आप आर और एस कर रहे हैं, अगर आपको आर दिया गया है और किसी का एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वो उसका प्रतिबिंब रूप होगा, और सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं तो आइडेंटिकल रूप कहलाते हैं, तुल्य रूप इक्विवेलेंट, या हम इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल फॉर्म क्या होते हैं देखो बच्चों, कि अगर आपको अणु के दो संरचना सूत्र जिनके विन्यास आर आर या फिर एस एस होते हैं तो वो तुल्य रूप कहलाते हैं। अणु के बंधों में सम संख्या में अंतर परिवर्तन करने से या एक को स्थिर रखकर से तीन बंधों को एक ही दिशा में घुमाने पर तुल्य रूप प्राप्त हो जाते हैं। देखो जैसे ये है ना NH2, ये है आपने इसका नंबरिंग की तो यहाँ चार नंबर ऊर्ध्वाधर रेखा में सीधा एरो लगा दिया 1, 2, 3 तो ये आर हो गया, दो अंतर परिवर्तन करा दिया आपने एक एच और COOH के बीच में और एक करा दिया NH2 और OH के, तो भी वही तुल्य रूप मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहां चले जाएं, अब मैंने COOH को स्थिर रखकर तीन समूहों को घुमा दिया है तो ये बन गया है, मतलब एच OH की जगह CH3 की जगह CH3H की जगह, तो ये जो है अब आप देखो ये आर है तो ये भी आर है। तो इस तरह से अगर आपको एक रूप दे रखा है और चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, पूछ ले बताएं इसका तुल्य रूप कौन सा है, आइडेंटिकल फॉर्म क्या है, आप आर एस नोमेनक्लेचर कर लो, आर का आर आ जाए या एस का एस आ जाए तो आपको आइडेंटिकल फॉर्म। प्रतिबिंब रूपों के लक्षण और बता दूं, ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं प्रतिबिंब रूप तथा समतल ध्रुव प्रकाश को दोनों ही दूसरे के विपरीत डिग्री में और बराबर विपरीत दिशा में और बराबर डिग्री में घुमाते हैं, अगर एक मान लो 10 डिग्री प्लस में घुमा रहा है तो 1 डिग्री माइनस में, तो प्रतिबिंब रूप रासायनिक रूप से भौतिक रूप से बिल्कुल एक से होते हैं, इनके केवल समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार उल्टा है, घूर्णन की दिशा उल्टा है, दोनों रूप भौतिक गुणों में रंग गंध घनत्व मेल्टिंग पॉइंट गलनांक अपवर्तनांक सब में तथा सामान्य रासायनिक गुणों में बिल्कुल समान होते हैं, किंतु इनका PPL तथा प्रकाश सक्रिय अभिकर्मकों के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। हाँ, रासायनिक क्रियाओं में अगर आप देखोगे तो जो प्रतिबिंब रूप है वो प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मकों के प्रति व्यवहार भिन्न दर्शाते हैं, मान लो डी रूप कर रहा है, मान लो एल नहीं भी करेगा जरूरी नहीं है, मतलब एक प्रतिबिंब रूप मतलब दो जो प्रतिबिंब के रूप हैं उनमें से एक प्रकाशिक सक्रिय अभिकर्मक से अलग रिएक्शन करेगा तो दूसरा अलग करेगा, और जो उत्पाद बनेंगे वो विभ्रम समावयवी भी होंगे, क्या होंगे बच्चे उत्पाद में विभ्रम समावयवी भी, मतलब समावयवी भी तो होंगे उत्पाद लेकिन दोनों दोनों की मतलब डी और एल के जो उत्पाद बनेंगे वो एक दूसरे के समावयवी भी होंगे लेकिन प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे बल्कि वो क्या होंगे विभ्रम समावयवी, ठीक है। और विभ्रम समावयवियों के गुणों में अंतर होता है इसलिए क्रिस्टलाइजेशन द्वारा अलग भी किया जा सकता है।
इनके विशिष्ट घूर्णन कोण के मान बराबर एवं चिन्ह में विपरीत होते हैं। मतलब जैसे डी प्लस ग्लूकोज 52.5 ग्लूकोज तो माइनस में। दोनों रूपों को समूह मात्रा में मिलाने पर रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आप दोनों डी और एम को बिल्कुल बराबर मूल में मिला दो, बराबर अणु में मिला दो, तो बनेगा रेसमिक मिक्सचर, और ये मिक्सचर रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा, और इसे बोलते हैं बाह्य प्रतिकारिता। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य प्रतिकारिता, एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो प्रकाशिक निष्क्रिय है, इसका कारण क्या है, तो वो है ठीक है एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब एक रूप दूसरे रूप के घूर्णन कोण को पूर्णतः निरस्त कर देता है। दोनों सतह एक दूसरे में नहीं बदलते। ध्यान रखना, डी कभी एल में अपने आप नहीं बदलता, एल डी में नहीं बदलेगा। इन रूपों को रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिसे वियोजन कहते हैं। और अगर इन दोनों रूपों को एक दूसरे में बदलना है, तो बदलने की जो मेथड होती है ठीक है, उसको बोलते हैं इनवर्जन। मतलब एक दूसरे में नहीं बदलते, बदलना है तो रासायनिक विधि प्रयोग हो या भौतिक विधि, उस विधि को बोलते हैं प्रतिलोमन। और इनको एक दूसरे से पृथक करना है तो मेथड कहलाती है वियोजन। इस तरह से ठीक है, बस यहां तक और बता दूं। और अब आते हैं विभ्रम रूप। एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते बच्चों, इनके रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। इन रूपों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये एक दूसरे में स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। ये जैसे कि संरूपण, ग्रसित और सांत्रित रूप, ज्यामिति समवयी में सिस्ट्रांस हो गए, प्रकाशिक समवयियों में डी और मीजो है, एल और मीजो है। तो ये है विभ्रम रूप, समझ गए ना। और प्रतिबिंब रूप एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं। मतलब ऐसे त्रिबिंब समवयवी जो एक दूसरे के समवयवी है लेकिन प्रतिबिंब रूप नहीं है ना, तो उसे आप बोलेंगे स्टीरियोमर्स, विभ्रम रूप ठीक है। जैसे मीजो और डी, मीजो और एल, सिस और ट्रांस है ना, स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड, ये सब क्या है बच्चों? विभ्रम रूप। विभ्रम रूप बहुत अधिक अंतर रखते हैं गुणों में, इसलिए इनको आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण से अलग किया जा सकता है, इनकी विलेयता में अंतर होता है, तो कई चीजों में अंतर रखते हैं। जबकि प्रतिबिंब रूप इतने ज्यादा समानता है कि उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। बाकी अब हम अगले टर्म में लेंगे रेशमीकरण के बारे में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।